1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंपनी लॉन्च करी। इस कंपनी को 2003 में एक जापानीज कंपनी ने खरीदा। इनकी पहली कार 1983 में आई थी, जो आज भी सुपरहिट कार है एंड द सेलिब्रिटीज एंड द यंगस्टर यूज्ड टू लव इट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो टोयोटा का मार्केट शेयर सेकेंड हाईएस्ट है, विच इज 16% इन द मार्केट। बट यू नो हु इज ऑन नंबर वन विद 42% ऑफ मार्केट शेयर, दैट इज ह्यूज। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। यस यू आर राइट, इट इज मारुति सुजुकी। जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो इसका नाम मारुति सुजुकी नहीं था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका नाम क्या था। मारुति सुजुकी सबसे खास बात यह है कि अपना कस्टमर बेस बहुत अच्छे से समझती है। इट नोज व्हाट इंडियन मार्केट नीड्स। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने कोई कार लॉन्च करी जो कि अनसक्सेसफुल रही है, लेकिन उसे रीलॉन्च करने के बाद वो एक सुपर सक्सेस रही है। सो बर्सा एक कार लॉन्च करी गई थी जिसमें कुछ चेंजेस करके उसे इको में लॉन्च किया, वैसे ही ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई थी जिसको थोड़े से चेंजेस करके ब्रेजा में लॉन्च किया गया, और आज आपको हम वही कार दिखाने वाले हैं। So welcome back to Limitless Ranger guys. मैं हूं समारा, behind the camera I have Rahul and here I have Brezza, जो आज हम आपको showcase करने वाले हैं। ये कार डीजल वेरिएंट भी है, इसका पेट्रोल वर्जन भी आता है और अब तो सीएनजी वर्जन भी लॉन्च हो गया है बिकॉज ऑफ द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। लेकिन जब से गवर्नमेंट का ये रूल आया है फॉर 10 ईयर्स डीजल एंड फॉर 15 ईयर्स पेट्रोल कार, मारुति वालों ने कस्टमर्स का इतना ध्यान रखा है कि डीजल में गाड़ी बनानी ही बंद कर दी है। सो देयर इज नो डीजल कार बीइंग लॉन्च्ड बाय मारुति एनीमोर। तो कार का कैंडिड रिव्यू देने के लिए हम बुलाते हैं कार के ओनर मिस्टर रामजी सिंह को। हाय राम। सो माय क्वेश्चन टू राम इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ इज द ड्राइविंग कंफर्ट ऑफ ब्रेजा। ड्राइविंग कंफर्ट इसका अच्छा है, जैसे इंडियन रोड्स हैं तो उसके हिसाब से ड्राइविंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। एंड दैट ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट्स टू बट द ग्राउंड क्लियरेंस। तो कंपेयर टू यू नो अदर कार्स क्या लगा आपको कि हर जगह जा सकती है? हाँ मतलब बिल्कुल, जैसे हिल्स पे हर जगह कंफर्टेबल इसकी ड्राइव है, एज सच कोई दिक्कत नहीं आती। राइट, आई थिंक हैचबैक्स की अगर कंपैरिजन में देखा जाए और एसयूवी की कंपैरिजन में देखा जाए उस हिसाब का ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं है, बट आई थिंक दिस इज मॉडरेट व्हेन इट कम्स इन द एमयूवी सेक्शन। एंड आई थिंक ये रेनी सीजन वगैरह में भी हिली एरियाज में भी हर जगह जा सकती है, सो ही फाइंड्स इट वेरी कंफर्टेबल। व्हाट अबाउट द माइलेज राम? माइलेज इसकी लोकल में मिल जाती है 15 टू 17 के बीच में, एंड अगर हम बात करें जैसे आउट ऑफ दिल्ली कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो अबव 20। अबव 20 एंड आई थिंक इट इज डीसेंट कंपेयर्ड टू इट्स अ डीजल कार, सो ऑफ कोर्स ये इंजन बहुत अच्छा स्मूथ रनिंग कर रहा है। एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस विद द कार? टिल नाउ नो प्रॉब्लम। Till now no problem, 2017 and this is 2022, so I think almost 5 years ho chuke hain is car ko and he is enjoying this car. It's a beautiful red color car, aur bhi colors mein aati hai and absolutely ek cheez jo Indian market ke liye bahut zyada important hai is the look of the car. I think it looks absolutely amazing as you compare it with other cars. So I'm sure car khareedne se pehle Ram ji ne kaafi research kiya hoga एंड थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि आपको पता ही होगा मारुति ही एक ऐसी कंपनी है जिसको अदर कंपनीज रीबैजिंग एंड टाइप्स करके अपनी कार्स लॉन्च करती है। सो डू यू नो कि बेलेनो के कंपैरिजन में कौन सी कार लॉन्च हुई थी? बेलेनो की ग्लांजा। राइट, एंड ब्रेजा की? अर्बन क्रूजर। अर्बन क्रूजर, सो सी दैट इज फॉर टोयोटा, नाउ दैट इज द रीजन दे हैव 16% ऑफ मार्केट शेयर, बट मारुति सुजुकी रॉक्स विद 42%। So I hope आपको ये कार अच्छी लगी हो and राम आपको कैसी लगी? Would you like to recommend कि लोग खरीदें इसको? हाँ बिल्कुल, जैसे इसकी माइलेज जो है बहुत एफिशिएंट है, उसके बाद गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी सब जानते ही हैं कि जो मारुति सुजुकी की जो सर्विस कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है, बहुत बजट फ्रेंडली रहती है। राइट, सो इट इज अ बजट फ्रेंडली कार, इट इज राइट कार फॉर द रोड, प्लीज बाय इट। एंड अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं मारुति ब्रेजा तो इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो एज यूजुअल हम कार का सिर्फ रिव्यू नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ और भी दिखाने वाले हैं, व्हिच इज अ बोनस एंड दैट इज समथिंग राहुल विल टॉक टू यू। सी इस कार का हमने पहले भी रिव्यू किया हुआ है जो कि आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं,
उस टाइम में जो इसका म्यूजिक सेटअप था वो LBM के दो सबवूफर थे, और बाकी मैं बता ही दूंगा आपको, यहाँ वीडियो में चेक कर सकते हैं आप आई बटन में जाके। अभी इसमें कुछ डिफरेंट है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस कार में क्या क्या लगा हुआ है म्यूजिक सेटअप में, मैं और राम आपको बताने ही वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मॉडिफिकेशन में इसके अलॉय व्हील्स है, और ये क्या लाइट है, ये एम्बिएंट लाइट है, ये एम्बिएंट लाइट है। और इसमें टायर पे स्टिकर लगवाया गया है, और साथ में इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, पायनियर का कौन सा डिन है राम जी? ये 5190BT है। ये 5190BT है, और इसमें बुलेट ट्वीटर कौन से माउंट किए हुए हैं? ये अवतार। इससे हमने एम्पलीफायर कौन से माउंट किए हुए हैं? अवतार का 460.4 हमने चारों मिड्स के लिए उस पे प्ले हो रहे हैं, और बुलेट ट्वीटर के लिए हमने वो लिया है सोनी का 4 चैनल। तो सोनी का 4 चैनल एम्प जो है वो मेरे ख्याल से यहीं पे ही है, अगर नजर जा पाए तो यहाँ पे ये है सोनी का 4 चैनल एम्पलीफायर, जिससे ये बुलेट ट्वीटर चल रहे हैं। और मिड्स इसमें कौन से डले हुए हैं? CA ऑडियो के ही अभी जस्ट अ वीक बिफोर हमने इसको ऐड कर अपडेट किया था। पहले डेवबोन्स के सिल्वेस्टर थे, और अब हमने CA के 150 RMS ईच मिड्स डाले हैं। ग्रेट। तो रिस्पांस कैसा है उनका? रिस्पांस बहुत अच्छा है, मतलब इन बजट बहुत अच्छी चीज है। मतलब नो डाउट सिल्वेस्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर बजट की बात करो तो उस बजट सेगमेंट में ये बहुत 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 अच्छे हैं। तो मिड्स जो होती है वोकल्स के लिए होती है, लेकिन मैंने काफी गाड़ियों में देखा है कि लोग सिर्फ मिड्स लगवाते हैं और बुलेट ट्वीटर या ट्वीटर माउंट नहीं करते हैं। जैसे ये लोगों का मिथ है कि सिर्फ अगर हम 4 mid-range लगा देंगे गाड़ी में तो वो इनफ है, जबकि क्या होता है जैसे कंपोनेंट के साथ एक ट्विटर एडिशनल साथ में आता है, तो इसमें मिड्स में भी हमें एक बुलेट ट्विटर या कोई भी एक ट्विटर हमें ऐड करना जरूरी होता है, ताकि जो उसकी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज हैं जो मिड्स नहीं ले सकता, वो बुलेट ट्विटर कवर करता है या ट्विटर कवर करता है। अभी कुछ नया ही सीखने को मिला है। और फिर इसकी बात करते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सबवूफर हमने इसमें कौन से माउंट किए हुए हैं? CA ऑडियो है, इंडियन ब्रांड है ये, और 800 RMS ईच के इसमें 2 सबवूफर हमने ऐड करे। ओके, तो सबवूफर अगर मैं दिखा पाऊँ, ये उल्टे करके लगाए हुए हैं, तो ऐसे रिवर्स में क्यों लगाए हुए हैं ये? रिवर्स में ये होता है कि जैसे अगर आप सबवूफर सीधे लगाते हो तो उसमें जैसे आपका बॉक्स 36 Hz या 35 Hz पे ट्यून्ड है, तो इन्वर्ट करके उसको लगाने में उसको थोड़ी सी इनसाइड की स्पेस ज्यादा मिल जाती है, जिससे वो लोस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप खुद देख सकते हैं कि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, इंक्लोजर कितने हर्ट्ज पे ट्यून्ड है? वही सेम इंक्लोजर है जो लास्ट वीडियो में जिसमें हमने LBM प्ले कर रहे थे 2 सबवूफर्स, तो वो राहुल भाई लिंक छोड़ देंगे ऊपर आई बटन में, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक बार सबवूफर के RMS कितने RMS रेटेड है, कितने वाट? तो टोटल 1600 RMS हम प्ले करते हैं। तो इस 1600 RMS को किस एम्पलीफायर पे माउंट किया हुआ है? S&B 1500 1 ओम पे हम रन कर रहे हैं, जो कि कहां लगा हुआ है? सबवूफर और सीट के बीच। तो यहां पे लगा हुआ है S&B का मोनो एम्पलीफायर, शायद दिख जाए, दिख ही गया होगा अभी तक नहीं। तो राम भाई, हमने ये चेंज क्यों किए हैं? पहले इसमें जो LBM लगा हुआ था उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, अभी चेंज क्यों किया है हमने? ये चेंज हमने इसीलिए करे हैं कि हर बंदे का बजट नहीं होता कि वो LBM लगा सके, तो एक इन बजट और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला सबवूफर है, चार्ल्स कार ऑडियो है इसका फुल नेम, तो वो हमने इसीलिए लगाया। तो बेसिकली ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर मैं देखो LBM की तो बात अलग है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा खासा फ्लेक्स भी आ रहा था, बहुत अच्छा खासा SPL आ रहा था, पंच आ रहा था, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, फुली सेटिस्फाइड हूँ मैं इस 2800 RMS के सबवूफर से। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ईच सबवूफर क्या प्राइस होता है इसका? ईच सबवूफर अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको अंडर 8000 अवेलेबल करवा दूंगा। बताओ 800 RMS का सबवूफर 8000 का, बहुत सस्ता है जो कि, और मेरे ख्याल से अगर कोई लिमिटलेस रेंजर को सब्सक्राइब करके इनको कॉल करता है तो उस पे और डिस्काउंट मेरी तरफ से बिल्कुल मिलेगा। और इसमें हमने जो मिड्स भी डाली हुई हैं, जो कि मुझे अभी आपने बताया कि CA की मिड्स ही हैं, वो CA की मिड्स का क्या प्राइस है? CA की मिड्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे अंडर 3500 पेयर, वो भी 150 RMS। वाओ, ग्रेट। तो CA की मिड्स लेनी हो या सबवूफर लेना हो, आप रामजी सिंह को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
नीचे नंबर मेंशन है रामजी सिंह का, इंस्टा हैंडल भी मैंने इनका डाल दिया, अगर कोई भी क्वेरी होती है लिमिटलेस रेंजर या रामजी सिंह से पूछ सकते हैं आप। तो ये थी इस कार के म्यूजिक सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, अभी बारी है इसके डेमो की। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको इसका रिव्यू बहुत अच्छा लगा हो, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड इस कार का म्यूजिक सिस्टम जो हमने एज अ बोनस आपको दिया है वो आपको अच्छा लगा हो तो इनको कॉन्टैक्ट जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे फियरलेस, बी लिमिटलेस। कौन सा मॉडल है ये तो मैं भूल गई पूछना, डोंट यू एग्री? आई एग्री। कह लो मिथ है कि बुलेट ट्विटर साधु जी, ये तो ब्लूपर में आएगा। हेलो cuz I don't give a fuck what you say, yeah I'm gonna do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do it.